रेलवे 8 नई ट्रेनें चलाने वाली है और आइए जानते हैं इस वीडियो अपडेट में सभी ट्रेनों के लिस्ट के बारे में और इस ट्रेन को लेकर के क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आया है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल पैसेंजरों को जल्द होली का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन से जल्द ही कोरोना काल में बंद की गई कुछ ट्रेनें वापस से चलेंगी, जिसमें गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के साथ साथ इंदौर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल रहेगी। इन 8 ट्रेनों के चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे ट्रेनें भी पटरी पर वापस हो रही है। साथ ही पैसेंजरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी रेलवे कई ट्रेनों की सुविधा फिर से बढ़ा रही है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बंद हुई ट्रेनें लगभग शुरू हो चुकी है, लेकिन बाकी बची हुई ट्रेनें भी अब जल्द पटरी पर लौट जाएंगी। DRM ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर बची हुई ट्रेनों को चलाने की मांग की है और इसी दौरान जिन ट्रेनों का लिस्ट जारी किया गया उन ट्रेनों में से सबसे पहले इंदौर से चलने वाली ट्रेन शामिल है। इंदौर से 3 ट्रेनों को चलाने की बात कही जा रही है। पहली ट्रेन गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इंदौर से गांधीधाम के बीच चलती है। इसके अलावा नागदा से इंदौर के बीच चलने वाली दोनों ही दिशाओं में इंदौर नागदा पैसेंजर ट्रेन और इंदौर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन। इसके अलावा इंदौर से महू के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एवं इंदौर से रतलाम के बीच चलने वाली DMU ट्रेन को चलाने की बात कही जा रही है। कोरोना काल में इन सभी ट्रेनों का परिचालन अब तक बंद है, चूंकि यह सभी ट्रेनें इस रूट पर चलने वाली उन पैसेंजरों के लिए सुविधाजनक होगा जो लोग इस रूट पर सफर करते हैं। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि होली से पहले इन ट्रेनों को रेलवे हरी झंडी दिखाएगी और इन रूटों पर इन ट्रेनों का परिचालन देखने को मिलेगा। होली से पहले आपको इन ट्रेनों का परिचालन देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो इन ट्रेनों का क्या रहेगा नया टाइम टेबल और स्टॉपेज हम नए वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब।